के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के चौथे सोमवार को काशी में उमड़ा भक्तों और कांवड़ियों का रेला। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 43वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। नमामि गंगे के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर मां गंगा की सफाई का किया आवाहन। और नगर निगम सदन की बैठक में 2023-24 का बजट पारित। और अब समाचार विस्तार से। सावन के चौथे सोमवार को काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ जी सहित अन्य शिवालयों में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। वाराणसी में सावन के चौथे सोमवार पर भी बाबा विश्वनाथ की नगरी बम बम रही। हर हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों के साथ नंगे पैर सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों की अटूट कतार लगी रही। सावन के चौथे सोमवार पर रात से ही बाबा का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। एक तरफ कतार चितरंजन पार्क, दूसरी ओर गोदोलिया चौक और गेट नंबर 4 से चौक के आगे तक शिव भक्त कतारबद्ध थे। अल सुबह मंगला आरती के बाद गर्भगृह के पट झांकी दर्शन के लिए खुले तो कतार में खड़े श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ अनवरत यूं ही आगे बढ़ती रही, लेकिन कतार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अलर्ट पर था। ललिता घाट से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद थी। शेष तीनों गेट से पूर्व की तरफ प्रवेश जारी था। सावन के अन्य सोमवार की भांति भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए सारे तरह की टिकट और आरती व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया था। जबरदस्त भीड़ को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था भी अलग से विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में की गई। कांवड़ियों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हाईवे पर एक पूरी लाइन कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई थी। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने के साथ ही इनको परेशानियों से बचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही इन्हें जल्द से जल्द दर्शन हो जाए, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया। सावन के चौथे सोमवार पर नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। BHU विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, तिलभाड़ेश्वर महादेव मंदिर, गौरी केदारेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर होंठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो के नारों के साथ स्वच्छता की अपील की। सावन के चौथे सोमवार को भारत भूमि को अपनी पुण्य धारा से अभिषेचित करने वाली माँ गंगा के किनारे तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के दृष्टिगत दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने अपील किया कि होंठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के गगनभेदी उद्घोष के साथ आओ घर घर अलख जगाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाए, सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारों से पतित पावनी का तट गूंज उठा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। बंद करो पॉलिथीन, काशी को बनाओ सुंदर और क्लीन व पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक किया। राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सभी संकल्पबद्ध हुए। अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र के अभिमान तिरंगे को हर घर में फहराने का आह्वान किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सावन पर्यंत हम माँ गंगा का जल महादेव पर चढ़ाते हैं। गंगा जल अर्पण से महादेव प्रसन्न होते हैं। हमारा भी यह दायित्व है कि महादेव की गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश एवं बिहार झारखंड से आए हुए कांवरियां बंधुओं सहित स्थानीय नागरिकों ने गंगा जल संरक्षण की शपथ ली। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सोमवार को समापन हुआ। प्रेमचंद का साहित्य विश्व बोध का साहित्य है। प्रेमचंद को किसी एक भौगोलिक सीमा में बांध कर देखना सही नहीं होगा। उनके साहित्य में न केवल भारत की समस्या दृष्टिगोचर है, अपितु विश्व की समस्याओं की भरमार है। भारत बोध केवल उन लोगों द्वारा कही गई बातें नहीं है, बल्कि उसका विश्व पटल पर क्या असर हुआ वो भारत बोध है।
उक्त बातें राष्ट्रीयता की अवधारणा और प्रेमचंद विषय की इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कही। अपने संबोधन के दौरान हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज पांडे ने प्रेमचंद के साहित्य को समझाते हुए बताया कि प्रेमचंद के भारत बोध को समझने से पहले हमें प्रेमचंद को समझना चाहिए। प्रेमचंद भारतीय सामंतवाद, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा से लड़ते हैं। प्रेमचंद के मुख्य धारा के जो पात्र दिखते हैं उसके समानांतर जो दूसरे पात्र दिखते हैं वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बातें डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर समीर कुमार पाठक ने कही। कार्यक्रम के समापन में अपना अनुभव साझा करते हुए हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय ने कहा कि अफसाना निगार प्रेमचंद ने हिंदी नहीं अपितु गांधी द्वारा समर्पित हिंदुस्तानी भाषा को अपना माध्यम बनाया, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत सहित क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद को समझने के लिए हमें प्रेमचंद द्वारा लिखित न केवल कथा साहित्य को पढ़ना समझना होगा, बल्कि उनके वैचारिक लेखों, निबंधों को भी गहनता और सूक्ष्मता से पढ़ना होगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का 31 जुलाई 2023 को समापन हुआ। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान आमंत्रित वक्ताओं ने प्रेमचंद के हवाले से राष्ट्र की अवधारणा को परिभाषित किया। इस दौरान प्रेमचंद से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर राजमुनि, प्रोफेसर रामाश्रय सिंह, प्रोफेसर अनुकूल चंद्राय, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सहित आरती तिवारी, अंजना भारती, मनीष यादव, उज्ज्वल सिंह, प्रज्ञा पांडे, वरुणा देवी, प्रवीण वागीश, सौरभ, शुभम, प्रतिभा, हेमलता, सीता, हनुमान, जन्मेजय, शिवशंकर, धर्मेंद्र, अंकित, प्रियंका, रितु, अभिषेक, अमित, अंजलि, गुंजन आदि शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय रंजन तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अनुराग कुमार ने किया। प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की चेतना की परख के लिए दो दिनी कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम का दो उद्देश्य था, एक तो प्रेमचंद के साहित्य से रूबरू हों हमारी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियाँ, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपसी रंजिशें हैं उनको भुलाकर भाषाओं के एक होने की बात कहती है, खासकर भारतीय भाषाओं के संबंधों में एक बेहतरीन काम करने की हिदायत देती है, उस तरफ भी हमें अपने विद्यार्थियों को ले जाना था। तो राष्ट्रीय चेतना, किसान, दलित, स्त्री, मजदूर, ये सभी संदर्भ प्रेमचंद के साहित्य में जिस तरह से प्रकट हुए हैं, इसके साथ ही अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य किस तरह से प्रेमचंद के बारे में सोचता है या फिर प्रेमचंद के विचार देश के बारे में किस तरह से प्रकट होते हैं, इन सब बातों की शिनाख्त करना। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। फैसिलिटीज ऑफ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, कराटे क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, यूज प्लेग्राउंड फॉर किंडरगार्टन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लैब एंड स्मार्ट लाइब्रेरी, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब एंड क्लासेस, हाईली सिक्योर एंड GPS ट्रैक कन्विंस फैसिलिटीज, एजुकेशनल बेस्ड एक्टिविटीज यूजिंग टेक्निक टूल्स एंड इंटरेस्टिंग मेथड्स फॉर स्टूडेंट, नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, सुवाहिनी नियर BHU हैदराबाद गेट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षक समूह शाखाएं, गड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 9554963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय. आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट सच के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जन्म स्थली लमही में लमही महोत्सव 2023 का सोमवार को आगाज किया गया. कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली लमही में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन, वाराणसी एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से लमही महोत्सव 2023 का आगाज किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ मुंशी प्रेमचंद स्मारक स्थल पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान, हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा दीप प्रज्वलन करके तथा मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया. सर्वप्रथम प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत हुआ. तत्पश्चात हिंदी साहित्य के विद्वानों का सम्मान मुंशी प्रेमचंद जी का मोमेंटो, अंग वस्त्रम एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया. सम्मानित होने वाले विद्वानों में प्रोफेसर अवधेश प्रधान हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र पूर्व विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, श्रीमती भगवती सिन्हा वरिष्ठ रचनाकार, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी उपाध्याय पूर्व विभागाध्यक्ष बसंता कॉलेज राजघाट वाराणसी, डॉक्टर उदय प्रकाश वरिष्ठ रचनाकार तथा मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार के सुधीर कुमार श्रीवास्तव थे. मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने अपने संबोधन में मुंशी प्रेमचंद जी को एक विलक्षण रचनाकार बताते हुए समय एवं परिवेश को आत्मसात कर अपनी लेखनी में उकेरने वाला जन लेखक बताया तथा आने वाले समय में उनके साहित्य को आत्मसात कर समाज में उजाला फैलाने हेतु युवाओं से आग्रह किया. इसके पश्चात मुंशी प्रेमचंद मित्र क्लब के सदस्यों द्वारा पदयात्रा निकाली गई जिसका संचालन राजीव गौड़ ने किया. इसके पश्चात रामलीला मैदान में विभिन्न संस्थानों और स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो सायंकाल तक चलता रहा. सायंकाल 5100 दीयों के द्वारा मुंशी प्रेमचंद स्मारक एवं पैतृक आवास को दीपांजलि से सजाया गया. कार्यक्रम का संयोजन एवं अतिथियों का स्वागत डॉ. सुभाष चंद्र यादव प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी तथा संचालन मीनाक्षी दीक्षित तथा डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे ने किया. इस अवसर पर हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष एवं MLC भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर राम सुधार सिंह, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय, डॉक्टर ओम धीरज, राजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, सुरेश दुबे, डॉक्टर हरि नारायण सिंह, स्थानीय सभासद श्रीमती अनिता सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान संतोष सिंह, श्री ज्ञानचंद, राजीव गौड़, शैज खान, अभिषेक सिंह, आनंद पाल, पंच बहादुर आदि बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने प्रेमचंद जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया. कथा सम्राट श्री प्रेमचंद जी की 143वीं जयंती है जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसके अंतर्गत कल एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें प्रेमचंद जी के रचनाओं पर आधारित काशी के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने चित्रकला बनाया. इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीयता की अवधारणा और प्रेमचंद विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आज उनकी जन्मभूमि लमही में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है. इसमें सबसे पहले सुबह 10 बजे उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई. काशी के सभी वरिष्ठ साहित्यकारों ने वहाँ भाग लिया और उसमें से 5 प्रमुख साहित्यकारों को हम लोगों ने संस्कृति विभाग की तरफ से सम्मानित भी किया. उसकी अगली कड़ी में रामलीला मैदान पर कुल 11 प्रस्तुतियाँ जो 10 बजे से हो रही हैं ये शाम के 4 बजे तक चलेंगी जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियाँ हैं, कुछ लोक गायन हैं. क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जन लेखक थे, उन्होंने जनता के जो लोगों की जो समस्याएं थी उसको उठाया, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं. शंशापुर पंचायत में मनरेगा मजदूर यूनियन कार्यालय सह सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ. मनरेगा मजदूर यूनियन कार्यालय सह सिलाई केंद्र का शंशापुर पंचायत में आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने फीता काट कर कार्यालय व सिलाई केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर यूनियन बैंक के संयोजक सुरेश राठौर ने बताया कि कई गाँवों में यूनियन काम कर रहा है जिसके द्वारा मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूर एवं दिहाड़ी मजदूर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है जिससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का बल मिलेगा तथा समाज के दबे कुचले लोगों का चौमुखी विकास होगा. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिविर लगाकर इनका इलाज एवं जाँच भी कराने के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित भी कराया जाता है. ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि मेरा मानना है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा क्योंकि हिंदुस्तान का जो आबादी है वह अधिक से अधिक गांव में बसता है और गांव हिंदुस्तान का हृदय है.
संचालन राजकुमार गुप्ता और रेणु पटेल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर, क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज कुमार भारती, कुलबुल भारती, राजेश प्रजापति, रेणु, श्रद्धा, पूजा, रीना, प्रियंका, मोहम्मद अनवर, संजीव सिंह, राजकुमार गुप्ता सहित दर्जन लोग मौजूद थे। मनरेगा मजदूर यूनियन का एक शाखा कार्यालय खुला हुआ है। इसका केंद्रीय कार्यालय आपको पता है राजा तालाब में ब्लॉक के ठीक सामने है। और उसके अलावा किशोरियों को स्वावलंबी बनाने के लिए आज यहाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र का भी उद्घाटन माननीय जो है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र सिंह पटेल जी द्वारा किया गया है। नगर निगम सदन में चली मैराथन बैठक के बाद वाराणसी नगर निगम का 2023-24 का मूल बजट पारित हुआ। नगर निगम अधिनियम 91(1) के तहत महापौर की अध्यक्षता में रविवार को टाउन हॉल स्थित सभागार में मध्याह्न 12:30 बजे से सायंकाल 6:30 बजे तक चली मैराथन बैठक में नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के मूल बजट पर चर्चा के बाद उसे पास कर दिया गया। इस दौरान उपसभापति सुरेश चौरसिया ने नगर निगम का मूल बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। आय के मद में 2022-23 के पुनरीक्षित बजट कुल 838 करोड़ 61 लाख रुपए था, जबकि 2023-24 के लिए 853 करोड़ 61 लाख रुपए नगर में आमजन की सुविधाओं एवं नगर विकास आदि पर खर्च को रूपरेखा बनाई गई। इसी प्रकार जलकल का 2023-24 के लिए 186 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व बैठक की शुरुआत होते ही नगर की ज्वलंत समस्या भवन कर पर सदन में सभी पार्षदों ने जमकर प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगाई। उपसभापति ने वर्ष 2000 से लगातार अब तक के सभी शासनादेश, पत्राचार एवं समाचार पत्रों में गजट पर ध्यान आकर्षित कराते हुए सदन को अवगत कराया कि जो शहर में आज गार्टर पटिया के छत को अन्य पक्का भवन के स्लैब से बाहर कर मनमाने तरीके से टैक्स की वसूली की जा रही है वो असंवैधानिक है। इस संदर्भ में पार्षद नृसिंह दास ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में आज GIS सर्वे के आधार पर मनमाने तरीके से टैक्स की वसूली की जा रही है, यह असंवैधानिक है। इसके बाद सभी सदस्यों ने इसका समर्थन करते हुए सभापति से आग्रह किया कि बढ़े हुए टैक्स को शहरवासियों पर लागू नहीं किया जाए। बैठक के दौरान विज्ञापन, पार्किंग स्थल, ज्वलनशील पदार्थ के लाइसेंस, सामान्य विभाग की कार्यशैली, जलकल के सीवर एवं पेयजल समस्या पर चर्चा के बाद मूल बजट पास किया गया। बैठक में राजेश यादव, श्याम आश्रय मौर्य, सुशील गुप्ता, अमरदेव यादव, राजेंद्र मौर्य, बबलू शाह, भैया लाल यादव आदि पार्षदों के साथ नगर निगम एवं जलकल के अधिकारी उपस्थित थे। गढ़खाणी द्वारा जो प्रस्तावित बजट था सदन द्वारा पास कराया गया और जो 2023-24 का जो बजट है वो 83,861 लाख रुपए पास हुआ। पिछला बजट 68,907 लाख था, उससे इस बार बहुत अधिक बड़ा है। और गढ़खाणी के लोगों ने, सदन के सभी पार्षदों ने पूर्ण रूप से भाग लिया। किन किन मुद्दों पर सभी विषयों पर बात हुआ, टैक्स कहाँ घटा सकते हैं, कहाँ बढ़ा सकते हैं। कई क्षेत्र ऐसे छूटे थे जहाँ की किसी का ध्यान नहीं था, हमारे पार्षदों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। नए जो क्षेत्र हैं वहाँ विकास की बात हुई, जलकल की जो समस्याएं थी प्रत्येक वार्डो में उस पर चर्चा हुआ, सामान्य विभाग द्वारा जो काम कराया जा रहा है उस पर चर्चा हुआ, और सबसे अधिक जो पुराने सीवर लाइन है उसको कैसे बदला जाए उस पर चर्चा हुआ। रविवार को विश्व वैदिक सनातन संघ ने अपने वाराणसी महानगर शाखा का विस्तार किया। रविवार को विश्व वैदिक सनातन संघ ने बैठक कर अपने वाराणसी महानगर शाखा का विस्तार किया। इस मौके पर विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। संतोष सिंह ने इस दौरान कहा कि विश्व वैदिक सनातन संघ आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी के साथ पूरे देश में हिंदू आस्था केंद्रों के लिए संवैधानिक तरीके से धर्म युद्ध लड़ रहा है। काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर का जल्दी ही भव्य निर्माण होगा। संतोष सिंह ने आगे कहा कि हम सभी न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। हम सभी को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद करते हैं कि सनातनियों के पक्ष में फैसला अवश्य आएगा। वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ ने वाराणसी महानगर इकाई का विस्तार करते हुए पदाधिकारी बनाए गए हैं। एक व्यक्ति के घर में धर्म परिवर्तन की सूचना पर रविवार की दोपहर पहुंचे दर्जनों हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में धर्म परिवर्तन की सूचना पर रविवार की दोपहर पहुंचे दर्जनों हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। बताया जाता है कि भारत रक्षा मंच के प्रदेश मंत्री विकास कुमार यादव द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि मीरापुर बसई स्थित एक लॉन के समीप मेवालाल के मकान में ईसाई मिशनरी के समर्थन से धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना पर ACP के नेतृत्व में पहुंची पुलिस मेवालाल समेत वहां मौजूद उसके परिवार वालों समेत सभी को थाने पर
ले आई। थाने पर मेवालाल ने बताया कि उनके द्वारा कोई धन परिवर्तन नहीं किया जा रहा था, मात्र प्रार्थना हो रही थी। स्थिति स्पष्ट होने पर पुलिस ने हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।